दोस्तों क्या आपको पता है कि महात्मा गांधी के बेटे ने एक मुस्लिम लड़की से मोहब्बत की थी? वो लड़की कौन थी और आगे चलकर महात्मा गांधी ने अपने बेटे की मोहब्बत को अपनाया या नहीं, आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे। दोस्तों दरअसल महात्मा गांधी के चार बेटे थे, जिसमें दो बेटों की शादी तो अरेंज मैरिज हुई थी, लेकिन दो बेटों को प्यार हो गया था। ये बेटे थे मणिलाल और देवदास। मणिलाल दक्षिण अफ्रीका में रहते थे, उन्हें युवा आयु में एक मुस्लिम लड़की से प्यार हो गया। वो हर हाल में उससे शादी करना चाहते थे, लेकिन गांधी जी इसके खिलाफ थे और इससे छोटे बेटे देवदास को भी प्यार हुआ, इसमें भी गांधी जी ने कड़ी शर्त लगाई। गांधी जी शुरुआती दौर में अंतर धार्मिक ही नहीं बल्कि अंतर जातीय शादियों के खिलाफ थे। उनका मानना था कि ये उचित नहीं है, इससे सामाजिक संरचना और धार्मिक सद्भावना को ठेस पहुंचेगी। हालांकि 1930 के दशक के बाद उन्होंने अपनी ये धारणा बदल ली। मणिलाल को गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका में सहयोगी यूसुफ गुल की बेटी फातिमा से मोहब्बत हो गई थी। वे लोग बचपन से साथ रह रहे थे और काफी समय साथ गुजारा भी था, लिहाजा समय के साथ करीबियां बढ़ी। और चूंकि बचपन से ही गांधी जी ने अपने बेटे को सिखाया था कि सभी धर्म समान हैं, हमें घुल मिल कर रहना चाहिए, लिहाजा बच्चों के दिमाग में कभी आया ही नहीं कि धर्म भी एक दीवार हो सकती है। मणिलाल को भरोसा था कि वो टिम्मी यानी फातिमा से शादी कर लेंगे। हालांकि धीरे धीरे लगने लगा कि इसमें कई बाधाएं भी आ सकती हैं। कस्तूरबा जो कि गांधी जी की पत्नी थी, दूसरे धर्म में शादी के सख्त विरोधी थी। धर्म क्या, वो दूसरे जात में विवाह के पक्ष में भी नहीं थी। वो ये बात कतई पचा ही नहीं सकती थी कि उनकी बहू दूसरे धर्म या जाति की हो। मणि 1915 में गांधी जी के साथ भारत भी आए, लेकिन 17 में वापस दक्षिण अफ्रीका चले गए ताकि फिनिक्स आश्रम का काम देख सके। शायद वजह से ज्यादा थी कि वो फातिमा का वियोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। फातिमा से उनकी फ्रेंडशिप 1914 में हुई और 1926 तक चलती रही। मणिलाल ने 1926 में अपने छोटे भाई रामदास के जरिए पिता को संदेश में भेजा कि वो टिम्मी यानी फातिमा से शादी करना चाहते हैं। टिम्मी ही नहीं, उनके भाई बहन और परिवार का गांधी जी के परिवार से दक्षिण अफ्रीका में रहने के दौरान बहुत आत्मीय रिश्ता हो गया था, लिहाजा मणि को उम्मीद थी कि पिता मान जाएंगे। लेकिन पिता ने जवाबी तौर पर जो पत्र में लिखा, जो कि एक धमकी से कम नहीं था। हालांकि गांधी जी का यह भी कहना था कि वो मणि को यह पत्र एक दोस्ती के तौर पर लिख रहे हैं। पत्र ने मणि के सारे सपने को ध्वस्त कर दिया। उसमें लिखा था, अगर तुम हिंदू हो और तुमने फातिमा से शादी कर ली है और शादी के बाद भी वो मुस्लिम ही रही, तो ये एक ही मयान में दो तलवार जैसे हो जाएगा। तब तुम अपनी आस्था साथ में खो बैठोगे और जरा ये भी सोचो कि जो बच्चे पैदा होंगे वो किस धर्म और आस्था के प्रभाव में होंगे। फिर उन्होंने आगे लिखा, ये धर्म नहीं अधर्म होगा। अगर फातिमा केवल शादी के लिए अपने धर्म को बदलना भी चाहे तो भी ठीक नहीं है। आस्था कोई कपड़ा नहीं जो आप इसे कपड़े की तरह बदल लें। अगर कोई ऐसा करता है तो धर्म और घर से बहिष्कृत कर दिया जाएगा। ये कतई उचित नहीं, ये रिश्ता बनाना समाज के लिए हितकारी भी नहीं है। ये हिंदू मुस्लिम पर अच्छा असर नहीं डालेगी। अंतर धार्मिक शादी करने के बाद ना तो तुम देश की सेवा करने लायक रह जाओगे और ना ही फिनिक्स आश्रम में रहकर इंडियन ओपिनियन वीकली निकाल सकोगे। तुम्हारे लिए भारत आना मुश्किल हो जाएगा। मैं कस्तूरबा से इस बारे में कह भी नहीं सकता, वो तो इसकी अनुमति देने से रही। असल में गांधी जी ने भारत में इस शादी की प्रतिक्रिया को लेकर चिंतित थे। पत्र में बेटे को इतनी खुराक देने के बाद वो आगे और तगड़ा डोज दे दिए, तुम क्षणिक सुख के लिए ऐसे शादी करने के बारे में सोच रहे हो जबकि तुम्हें मालूम नहीं कि वास्तविक सांसारिक सुख क्या होता है। नतीजा ये हुआ कि मणि बहुत निराश हुए। वो समझ गए कि पिता से इसकी अनुमति नहीं मिलने वाली है। आज्ञाकारी बेटे की तरह उन्होंने फातिमा से शादी के लिए मना कर दिया।